कप्तानगंज में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर लोगों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने यूपी के स्कूलों में 10% फीस बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इसको लेके अभिभावकों को झटका लगा है। वहीं इस बारे में आज कप्तानगंज में लोगों से बातचीत की गई, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप भी सुनिए लोगों की प्रतिक्रियाएं। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश में संचालित जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, अनएडेड जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें फीस बढ़ाने की 10% फीस बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित तौर पर विगत 2 वर्षों में कोरोना काल के नाते विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाएं हेतु जो वार्षिक शुल्क वृद्धि की जाती है उसको गवर्नमेंट ने रोका हुआ था, इसलिए संस्थानों ने कोई शुल्क वृद्धि नहीं की थी। परंतु वर्तमान महंगाई को देखते हुए, लोगों की आवश्यकताएं जो हैं वो उनको देखते हुए, शुल्क वृद्धि के बिना अवस्थापना सुविधाओं और कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को उचित मानदेय, उचित वेतन देना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार के इस निर्णय का हम प्रबंधक के रूप में समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई का असर विद्यालयों पर, वहाँ के कर्मचारियों पर, शिक्षकों पर, सब पर पड़ रहा है। इसलिए बिना उचित मानदेय, बिना उचित वेतन दिए उनसे काम लेना संभव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा इसकी निंदा किए जाने के कदम को मैं सही नहीं ठहराता। बिना अच्छी व्यवस्था के अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। इसलिए मैं पूर्णतया योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूल में 10% फीस बढ़ाने की बात कही, इस पर अभिभावक का क्या असर होगा, क्या यह उचित है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को फीस को लेकर के एक मानक निर्धारित करना चाहिए कि फीस का मानक क्या हो, किस स्तर तक फीस हो सकती है विद्यालयों में। ऐसे कुछ विद्यालय हैं जिनमें ऑलरेडी फीस बहुत ही ज़्यादा है, पहले से ही फीस बहुत ज़्यादा है। अब सरकार ने 10% की घोषणा कर दी, अब वो अगर 10% और बढ़ा देते हैं उसके बाद में, तो अभिभावकों पर बहुत ही ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। तो एक मानक बनाना चाहिए सरकार को, उसी मानक के अनुसार घटाने या बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। बिना मानक के किसी विद्यालय पर 3,000 मंथली फीस है, किसी पे 2,500 है, किसी पे 2,000 है, 10% आपके कहने से और बढ़ा देते हैं, तो ये गलत है। एक मानक निर्धारित होना चाहिए, उसके बाद घटाना बढ़ाना जो भी होना चाहिए। जैसे कुछ विद्यालय हैं सबकी अलग अलग फीस है और सब लोग 10% इजाफा उसमें करेंगे तो फीस तो महंगी हो ही जाएगी। देखिए, किसी की फीस 500 है, किसी की 1,000 है, किसी की 1,500 है, किसी की 2,000 है। अब 2,000 वाला 10% बढ़ा देगा तो बोझ तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहले मानक निर्धारित होना चाहिए कि प्राइवेट का क्या हो, गवर्नमेंट का क्या हो, ये मानक जरूर होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार ने इसको गलत साबित किया है, कहा है ये गलत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, इसमें फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक हमारा कहने का मतलब है, मानक एक निर्धारित हो, उसके बाद घटाना बढ़ाना सही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो। मानक एक पहले होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है कि मानक क्या मानक होना चाहिए। फीस का 1,000 होना चाहिए, 1,200 होना चाहिए। अब मानक से हो सकता है कि डबल हो किसी का फीस, अब आप आदेश कर दिए 10% और बढ़ा देगा, तो बोझ तो परिवार पर पड़ना ही पड़ना है अभिभावक पर। वैसे भी महंगाई पहले से ही हर चीज़ की बढ़ी हुई है। स्कूल की फीस में 10% बढ़ोतरी के लिए सरकार ने कहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये प्राइवेट स्कूल की फीस वैसे ही मांगी थी, गार्जियन के ऊपर भार तो था ही जी, और ये 10% बढ़ोतरी से थोड़ा अतिरिक्त भार पड़ेगा। जैसे मान लिया किसी विद्यालय की फीस 10,000 रुपया है, तो उसमें अगर 10% बढ़ोतरी होगी तो वो इतनी पड़ी दी 11,000 हो गया, गार्जियन को ही उठाना पड़ेगा। और गार्जियन पहले से ही प्राइवेट स्कूलों के ट्रस्ट है जी, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। अच्छा, इस पे अभिभावकों को दिक्कत होगी? हाँ, निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि किताबें भी महंगी हो गई हैं, डेस्क बैग टेबल का उनका
मैं कहा डीजल पेट्रोल बढ़ने से उनका ट्रेवलिंग अलाउंस बढ़ गया, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इससे श्योर आप जानिए कि गाड़ी के ऊपर भार पड़ेगा, उससे परेशानी बढ़ेगी। जी जी श्योर श्योर निश्चित।